Hello children, how are you all? I am Manisha Jain and today we are going to do lesson number 6 of your English reader book. The topic is Love Nature. First of all, you can see here there are some new words. So first we are going to read these new words. First is yummy, Y-U-M-M-Y, yummy. Yummy means delicious. Next is woodcutter, W-O-O-D, wood, C-U-T-T-E-R, woodcutter. Woodcutter means one who cut trees, okay? One who cut trees and sell the hard part of the tree, jo tree cut karte hain, unko kehte hain lakadhar, unko kehte hain woodcutter. Next is plan, P-L-A-N, plan. You always make a plan, you make a timetable. How you are going to read it, that is called planning. Loading, L-O-A-D-I-N-G, loading. Loading yani koi saman, that's what they chadhane ko bolte hain. Axe, A-X-E-X, axe means kulhadi, jisse lakdi kaatte hain. Next is alarm, A-L-A-R-M, alarm. Alarm means siren, jaise aap subah utne ke liye clock mein alarm lagate hain. Next is frightened, F-R-I, G-H-T-E-N-E-D, frightened. Frightened means डर जाना. Informed, I-N-F-O-R-M-E-D, informed. Informed means किसी को कोई information देना, कोई बात बताना. Delicious, D-E-L-I-C-I-O-U-S, delicious. Delicious means very tasty. Okay, like your mother also cook very delicious foods, so delicious. Crime, C-R-I-M-E, crime. Crime yani koi gunha, koi galat kaam karna. That is a crime. So we are going to read this lesson. It's about nature, where that we should love our nature. We should grow more and more trees. Hame bahut sare ped lagane chahiye. Ped hame shade dete hain, fruits dete hain, right? और हमें हमारे जो एयर है उसको प्योर करते हैं. ट्रेड से हमें कितना कुछ मिलता है, ठीक है, और बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते. तो हमें पेड़ उगाने चाहिए, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स रैदर. सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, जिससे हमारा नेचर अच्छा भी लगेगा और साफ भी होगा. एनवायरनमेंट हमारा जो है वो साफ भी होगा. सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड वी शुड नॉट कट ट्रीज, राइट. So this lesson is about that only. So let us read what is there in the lesson. Once upon a time, there was an apple tree. Appu and his friend loved to play around that tree. एक समय की बात है, once upon a time, एक समय की बात है, एक apple tree था. और अप्पू और उसके friend उसके आसपास खेलना बहुत पसंद करते थे. बहुत छाया मिलती थी उनको खेलने के टाइम पे. और वो पेड़ के आसपास खेलते थे. इन द सीजन ऑफ एप्पल्स, जब सीजन आता था एप्पल्स का, ऑल ऑफ देम एंजॉयड द यमी एप्पल, और उनको एप्पल खाने मिलती थी, वो सब बहुत एंजॉय करते थे उस समय. अप्पू एंड हिज फ्रेंड लव दैट एप्पल ट्री वेरी मच एंड यूज टू कॉल दैट ट्री एज अप्पू दादा. ओके, तो अप्पू और उसके फ्रेंड्स को ट्री बहुत पसंद था और वो उस ट्री को क्या बुलाते थे, अप्पू दादा, एप्पल दादा. क्या बुलाते थे, एप्पल दादा. वन डे थ्री वुड कटर्स वे पासिंग बाय एंड सॉ एप्पल दादा. तो एक बार क्या हुआ, जो लकड़हार होते हैं, जो लकड़ी वगैरह काट के फिर बेचते हैं, वो वहां से जा रहे थे और उन्होंने अप्पू दादा, एप्पल दादा को देखा. दे थॉट इफ दे कट दिस ट्री, उनको लगा कि अगर वो इस ट्री को कट करेंगे, इट वुड गिव देम अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो उसकी लकड़ी बहुत अच्छी थी, तो अगर उसको कट करके वो बाजार में बेचेंगे तो उनको बहुत पैसे मिलेंगे, लॉट ऑफ मनी. दे डिसाइडेड टू कट दैट ट्री आफ्टर 2 days. तो उन्होंने सोचा 2 दिन बाद आके हम इस ट्री को कट कर देंगे. अप्पू हर्ड दोज वुड कटर्स टॉकिंग अबाउट एप्पल दादा. अप्पू ने सुन लिया कि वो वुड कटर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उस ट्री को कट करने की बात कर रहे हैं. ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया. After 2 days, the woodcutter came with their axe and a big loading truck. 2 दिन बाद वो woodcutters वहाँ पे आए, बड़ा सारा axe लेके. Axe यानी क्या बताया था मैंने,
कुल्हाड़ी, लोग लकड़ी काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके आए और एक ट्रक लेके आए जिसमें वो लकड़ी लोड करके लेके जाएंगे बाजार। अप्पू एंड हिज फ्रेंड हिड बिहाइंड एप्पल दादा, और अप्पू और फ्रेंड क्या किए, एप्पल दादा के पीछे जाके छिप गए, हाइड यानी छिप जाना। द वुड कटर पिक्ड अप देयर एक्स, वुड कटर ने एक्स उठाया कट करने के लिए, टू कट एप्पल दादा। ओके, दे वेयर अबाउट टू कट द ट्री, वो लोग बस एप्पल ट्री को जस्ट कट करने ही वाले थे, बट सडनली दे हर्ड द पुलिस अलार्म, उनको क्या सुनाई दिया, पुलिस का अलार्म, सायरन बजाती हुई आती है ना पुलिस की गाड़ी, वैसे वो सायरन सुनाई दिया। द वुड कटर गॉट फ्राइटेड, वो दोनों वुड कटर्स जो थे वो डर गए। तो फर्स्ट वुड कटर ने बोला हाउ हैज द पुलिस रीच्ड हियर, फर्स्ट वुड कटर ने बोला कि ये पुलिस यहाँ कैसे आई। अदर टू वुड कटर्स, दूसरे जो और दो वुड कटर थे उन्होंने बोला हु हैज इन्फॉर्म द पुलिस, पता नहीं पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, हु हैज इन्फॉर्म, पता नहीं कौन किया इन्फॉर्म। तो अप्पू एंड हिज फ्रेंड केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और जिस समय अप्पू और जो उसके फ्रेंड ट्री के पीछे छिपे हुए थे वो दोनों वो लोग सब बाहर आ गए। फिर अप्पू ने क्या कहा, आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस, ने कहा कि मैंने इन्फॉर्म किया था पुलिस को, यू वर गोइंग टू कट अवर एप्पल दादा, ही हाउ कुड वी लेट दिस हैपन, मतलब तुम हमारे एप्पल दादा को कट करने वाले थे, हम ऐसा कैसे होने दे सकते थे। वी लव अवर एप्पल दादा वेरी मच, इट गिव्स अस डिलीशियस एप्पल एंड शेड फ्रॉम द सन, मतलब हम अपने एप्पल दादा से बहुत प्यार करते हैं, वी लव इट एंड हम ये हमें डिलीशियस एप्पल्स और शेड देते हैं सन से। इट इज क्राइम टू कट द ट्री, और ट्रीज को कट करना एक गुनाह है। ओके, दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ट्री हमें फ्रेश एयर देती है ब्रीथ करने के लिए, तो इसे हमें कट नहीं करना चाहिए, इट्स अ क्राइम। द पुलिस कॉट द थ्री वुड कटर, पुलिस ने तीनों वुड कटर को पकड़ लिया, एंड थैंक्ड अप्पू, और अप्पू को थैंक्स बोला, एंड हिज अप्पू एंड हिज फ्रेंड को, उसके फ्रेंड को थैंक्स बोला फॉर देयर गुड वर्क, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि एक ट्री को कटने से बचा लिया। ओके, सो यू मस्ट ऑल्सो नेवर कट ट्रीज, एंड इफ यू सी एनीथिंग सच लाइक दैट, आपको उन्हें रोकना चाहिए, और आपको भी अपने घर के आसपास ट्रीज ग्रो करने चाहिए, राइट। ओके, सो देयर इज एन एक्सरसाइज ओवर हियर, ये आपको करनी है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अप्पू एंड हिज फ्रेंड लव द एप्पल ट्री, क्यों लव करते थे, बिकॉज यू विल राइट अप्पू एंड हिज फ्रेंड लव द एप्पल ट्री बिकॉज इट गिव्स देम डिलीशियस एप्पल एंड शेड फ्रॉम द सन। व्हाट डिड अप्पू एंड हिज फ्रेंड कॉल द एप्पल ट्री, एप्पल ट्री को क्या बुलाते थे, तो आप लिखोगे अप्पू एंड हिज फ्रेंड कॉल द एप्पल ट्री एप्पल दादा। वॉट डिड द ट्री थ्री वुड कटर डिसाइड, थ्री वुड कटर्स ने क्या डिसाइड किया, द थ्री वुड कटर डिसाइडेड टू कट द ट्री आफ्टर टू डेज, टू कट द ट्री आफ्टर टू डेज। वॉट डिड अप्पू डू, अप्पू ने क्या किया, अप्पू मेड अ प्लान एंड ही इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट दैट, अबाउट द वुड कटर्स, राइट। तो आप क्या लिखोगे, अप्पू मेड अ प्लान एंड इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द वुड कटर। व्हाट डिड द पुलिस डू, पुलिस ने क्या किया, द पुलिस कॉट द थ्री वुड कटर्स एंड थैंक्ड अप्पू एंड हिज फ्रेंड फॉर देयर गुड वर्क, राइट। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सबसे पहले आप लेसन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जिस तरह से मैंने पढ़ के सुनाया बिल्कुल इस तरह से आपको लेसन पढ़ना है, देन यू विल डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस पजल इन द बुक इटसेल्फ। द फर्स्ट इज थ्री डैश केम टू कट एप्पल थ्री, थ्री कौन आए थे, वुड कटर, तो वन अक्रॉस में लिखना है, यानी यहाँ पे आपको लिखना है वुड कटर, डब्ल्यू डबल ओ डी सी यू डबल टी ई आर एस, वुड कटर्स। सेकेंड है ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, तो टू अक्रॉस में आपको लिखना है ब्रीथ, बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ। नाउ डाउन में, थ्री डाउन में क्या लिखना है, द डैश कॉट द वुड कटर, किसने कॉट किया था, पुलिस, सो थ्री डाउन में आपको पुलिस लिखना है, पी ओ एल आई सी ई, डैश इन्फॉर्म द पुलिस, हु इन्फॉर्म द पुलिस, अप्पू,
APPU, Appu. It is a dash to cut tree. It is a crime to cut tree. तो five down में लिखेंगे CRIME, crime. Okay? So in this way you have to do the exercise. First you read the lesson and always remember that we should never cut tree and we should grow more and more trees. Okay, dear children? Okay, thank you so much. Take care.